हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली ज़ू का टिकट हम कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल पे। तो सबसे पहले आप क्रोम एप्लीकेशन खोलिएगा या फिर कोई भी ऐसा ऐप, ब्राउजिंग ऐप जो आपके मोबाइल में हो, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी, आप उसको खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जाके सर्च कीजिएगा दिल्ली ज़ू। दिल्ली ज़ू सर्च करने के बाद आपके मोबाइल पर इस तरह से सर्च रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पर एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क का की वेबसाइट का लिंक आएगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद तो इस तरह का कुछ यूआई आएगा आपके सामने, जो कि दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी दिल्ली ज़ू का की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में तीन लाइनिंग्स के बटन दिख रहे हैं, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा बाई टिकट्स का, तो आप बाय टिकट्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का कुछ यूआई आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास लॉगिन विथ ओटीपी, आप लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, तो इस तरह से आप इस OTP को इंटर OTP के फील्ड में आप यहाँ पे OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन को आप क्लिक कीजिएगा। नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह की एक UI आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 जून 2022 और 14 जून 2022 का टिकट्स की अवेलेबिलिटीज़ हैं, तो हमें 13 जून को जाना है, इसलिए हमने 13 जून सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दो स्लॉट्स हैं, 8:30 बजे सुबह से लेकर 12:30 बजे दोपहर तक और 12:30 बजे दोपहर से लेकर शाम के 4:30 बजे तक। तो इनमें से आप कोई भी एक स्लॉट अपने सुविधा के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इवनिंग शिफ्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। दो कितने जो भी क्वांटिटीज़ हैं आपकी वो आप डाल दीजिए। 80 रुपये एक आदमी का टिकट है, दो आदमी का 160 रुपया। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिल्मिंग चार्ज, डॉक्यूमेंट्री चार्ज जो है आपका यहाँ पे अलग अलग है। डॉक्यूमेंट्री चार्ज का 2000 रुपया और फीचर फिल्म बनाने का 50,000 रुपया चार्ज है। तो गाइज़ डिटेल्स फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिसे भी जाना है उसका नाम हम डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे, तो यहाँ पर हमने नाम डाल दिया और जेंडर डाल दिया। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है आपका उसका नंबर डाल देंगे। डिटेल्स डालने के बाद गाइस हम यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद गाइज हम इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे। गाइज तो ये देखिए हमारा टिकट बुक हो चुका है और इसके साथ साथ हमें एक SMS भी आ गया है जिसमें उस टिकट का लिंक है। तो आप देख सकते हैं हमने मैसेज को खोला, खोलने के बाद इस लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर क्लिक करते ही यह टिकट हमारे सामने खुल गया। इसमें QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आपको वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो आपको अंदर जाने देंगे, अलाउ कर देंगे, और उसके बाद आप ज़ू को इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़
अब हम मिलते हैं आपसे दिल्ली जू के व्लॉग में, लेकिन उससे पहले अगर आपको टिकट से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दिल्ली जू के व्लॉग में। शुक्रिया।